ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी टॉरस राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई, जुलाई का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, घर की शांति, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, कर्जा और बीमारी की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, करियर की दृष्टि, विदेश यात्राएँ, लंबी दूरी की यात्राएँ, करियर की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल स्वग्रही मेष राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं लेकिन 2 जुलाई को अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र आपके वृषभ राशि में रहेंगे लेकिन 13 जुलाई को अपनी मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर संचार कर रहे हैं लेकिन 12 जुलाई को पुनः वक्री होकर वापस मकर राशि में आ जाएंगे। राहु आपके मेष राशि में रहेंगे और केतु आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं, आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपकी, यहाँ के लॉर्ड अभी तो आपके फर्स्ट हाउस में हैं 2 तारीख तक, लेकिन 2 तारीख को यहाँ से चेंज करके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। फिर भी ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी, यानी आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आपकी कार्य करने की शैली, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी व्हील पावर स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। वहाँ पे 2 तारीख को अपनी स्वग्रही राशि में आपके बुध जो है ट्रांजिट कर रहे हैं और 13 तारीख को वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। हालांकि शुक्र आपके लगन में बैठ के 13 तारीख तक हंस नामक योग भी बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग में से, यह एक अच्छी स्थिति है। और 12 जुलाई के बाद 12 जुलाई तक आपकी कुंडली में शश नामक योग भी बन रहा है, यह भी अच्छी स्थिति है। तो परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। कोई मतभेद डिफरेंसेस से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था दूर होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा था दूर होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आगामी भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कर सकता है, लाभ मिलेगा। और आपके परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस, जमा धन कोष, उसमें आपकी वृद्धि होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके थर्ड हाउस की। यहाँ पर देखिएगा 12 जुलाई से यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। 12 जुलाई तक तो स्थिति ठीक है लेकिन 12 जुलाई के बाद थोड़ी सी निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, इसलिए कि वहाँ पर 16 तारीख को फिर सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे और कर्क उनकी मित्र राशि है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, नए कम्युनिकेशंस आपके बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ नए संबंध स्थापित होंगे, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपको पॉपुलरिटी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, आपकी इम्पोर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी और उनसे आप लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। 16 तारीख के बाद, 16 तारीख को जब वहाँ सूर्य ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद स्थिति एकदम आपके पक्ष में, आपके अनुकूल आएगी। जो भी निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, उससे आप बाहर आ जाएंगे,
पॉजिटिविटी के भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत आ जाएगा, तो अपने आत्मविश्वास के बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं। थोड़ा भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य मत करें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आप किसी तकलीफ में आ सकते हैं, किसी दिक्कत में आ सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, आपका कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो हो सके तो टाल दें। और अगर ज़रूरी बनता है तो मकान में प्रवेश करना या वाहन घर में लाना, कोई प्रॉपर्टी की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए आप इस कार्य को करें, नहीं तो आपको लाभ के बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। घर में अशांति का माहौल क्रिएट होगा, सुख संसाधनों में आपको कमी महसूस होगी, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें और थोड़ा धैर्य संयम रखें और थोड़ा उपाय करें, यह आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनकी तरफ से खुशखबरी गुड न्यूज़ मिलेगी, उनका विवाह संबंध बन सकता है, हेल्थ डिस्टर्ब चल रही तो हेल्थ में सुधार होगा, एजुकेशन नौकरी कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की होगी, त्योल और संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, कोऑर्डिनेशन तालमेल संतान के साथ आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, 12वें घर में चले गए, राहु के साथ ग्रहण दोष बनाकर बैठे हैं, लेकिन एक स्थिति यहाँ पर आपके अनुकूल है, क्योंकि मंगल की वहाँ पर स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेद डिफरेंसेस थे, दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, उससे आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, एक दूसरे के संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, लेकिन थोड़ा गर्मी से संबंधित और पित्त से संबंधित रोग आपको सता सकते हैं और थोड़ी उत्तेजना की स्थिति थोड़ी क्रिएट हो सकती है। विवाह शादी में कोई अड़चने कोई रुकावटें आ रही थी, प्रयास कीजिए तो विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी बन सकती है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, बिजनेस में अन्य व्यवसायी हैं पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके भाग्य स्थान की। तो यहाँ पर जो स्थिति है, देखिए मित्रों, 12 तारीख के बाद शनि वहाँ पर वक्री होकर पुण्य अपनी कुंभ राशि में मकर राशि में आएंगे, तो यहाँ से आपको अचानक से तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और यह स्थिति लगभग 6 माह के लिए रहेगी। तो यहाँ पर जो स्थिति है, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य सपोर्ट करेगा, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा और साथ में विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से आप यहाँ सक्सेस गेन करेंगे। करियर की दृष्टि से स्थिति, अभी शनिदेव वहाँ पर वक्री होकर संचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 12 तारीख के बाद ये आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो 12 तारीख के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभी तो वहाँ पर 12 तारीख तक शश नामक योग बना हुआ है, लेकिन 12 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। 12 तारीख के बाद करियर व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष तो आपका बढ़ जाएगा, थोड़े कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, आप नौकरी करते हैं थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे, लेकिन कोई बड़े बदलाव की यहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं है, चूँकि समय आपके अनुकूल नहीं है, 12 तारीख के बाद स्थिति आपके प्रतिकूल है, इसलिए जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपना प्रयास अपना परिश्रम करते रहें, बिजनेसमैन है व्यवसायी है सेल्फ एम्प्लॉई है कोई कार्य व्यवसाय चेंज करना चाहते हैं, 12 तारीख के बाद बिल्कुल भी कोई डिसीजन मत लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है, जो जैसा है उसी में थोड़ा परिश्रम करें। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, लाभ गेन करेंगे,
तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं, नए संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। जो जातक विदेशों में, उनको थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ मंगल वहाँ संचार कर रहे हैं। एक ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, उसको अंगारक दोष भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी असमंजस कन्फ्यूज़न वाली रह सकती है। नौकरी भी आपकी छूट सकती है, कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। विदेशों की यात्राएं करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, कोई अन्य कार्य है, संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए? देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में बताता हूँ, हर कुंडली में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर वृषभ राशि वालों जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यह जुलाई का माह आपके लिए तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़ी परेशानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। तो एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ओम गंग गणपते नमः वन नॉट एट टाइम्स का जाप कीजिए और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहे। सात तरह का अनाज, जिसे सप्त धान्य सप्त नाजा बोलते हैं, सात बार सिर के ऊपर एक मुट्ठी घुमाएं, पक्षियों को डालें और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं तो थोड़े दुष्प्रभाव हैं उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।